राजनीति में श्रेय लेने की होड़, विकास कार्यों में राजनीति होने से होती है देरी। सुभाष नगर और अजमेर डेयरी फाटक पर चल रहे अंडरपास कार्य का श्रेय लेने की मची होड़। कल विधायक अनिता बघेल ने किया था दौरा, तो आज नेता प्रतिपक्ष निगम द्रौपदी कोहली ने उठाए सवाल, कहा पूर्व पार्षद विजय सिंह गहलोत वर्ष 2017 से कर रहे थे प्रयास। अजमेर के ब्यावर रोड पर सुभाष नगर फाटक और अजमेर डेयरी फाटक पर रेल प्रशासन और RSRDC द्वारा 9 घंटे का ट्रैफिक ब्लॉक लेकर अंडरपास के लिए सीमेंट ब्लॉक लगाने का कार्य प्रगति पर है। इस कार्य के पूर्ण हो जाने से ब्यावर रोड और संपर्क फाटक के पार वाली कंचन नगर, दौराई, सुभाष नगर, खानपुरा आदि कॉलोनी वासियों को काफी बड़ी परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन हो रहे विकास कार्यों में भी राजनीति हावी होने लगी है। जहां गुरुवार को दक्षिण विधायक अनिता बघेल ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर गजेंद्र सिंह राठौड़ और RSRDC के प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ निर्माण कार्य का निरीक्षण कर दिशा निर्देश प्रदान किए थे, तो वहीं शुक्रवार को नेता प्रतिपक्ष निगम द्रौपदी कोहली, पूर्व पार्षद विजय सिंह गहलोत भी निर्माण कार्य का अवलोकन करने पहुंचे और इस कार्य का श्रेय पूर्व पार्षद को देते हुए अनिता बघेल पर राजनीति करने और बिना काम किए श्रेय लेने का आरोप लगाया। कोहली ने कहा कि अनिता बघेल ने कल दौरा किया था, वे 20 साल से विधायक हैं, तो पहले ये काम क्यों नहीं करा पाई, वो सिर्फ वाहवाही लूट रही हैं। कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष द्रौपदी कोहली का कहना है कि कांग्रेस के पूर्व पार्षद विजय सिंह गहलोत के अथक प्रयासों से यह कार्य हुआ है। वे काफी लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे और लंबे संघर्ष के बाद जनता को इस समस्या से अब निजात मिलने जा रही है। जो दो दो घंटे तक लोग खड़े रहते थे फाटक पर इतनी धूप में, उनको आज तुरंत निकल जाएंगे, तो ये सब लोगों की मेहनत है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम कोई करता और श्रेय कोई ले जाता है, लेकिन जनता सब जानती है कि कौन क्या कर रहा है, कैसे काम कर रहा है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि ये बहुत अच्छा है और ऐसे ही एक जनता एकजुट होकर यहाँ पर, बहुत बड़ी समस्या पानी की भी है और ये आज पुलिया की समस्या दूर हुई है, कल हम उस नाले वाली समस्या को भी दूर करेंगे, उसके ऊपर भी लगे हुए हैं सब लोग। तो यही कहना चाहूँगी, सबको बधाई देना चाहूँगी यहाँ क्षेत्रवासियों को और हमारे चेतन जी भैया को और हमारे विजय गहलोत जी को और इनको जो कांग्रेस के कार्यकर्ता, उनको सबको बहुत बहुत बधाई और इसी तरह से डटे रहो। कांग्रेस के कार्यकर्ता मैदान में काम करेगा तो जनता को राहत मिले। देखिए, कहने को तो कोई भी कुछ कह सकता, मैं ही कह सकती थी कि मैंने प्रयास किया, लेकिन मैंने इनका सहयोग किया, प्रयास ये कर रहे थे तो प्रयास जो कर रहा उसी का ही होना चाहिए नाम। 2015 से लेके आज देखिए, प्रयास कर रहा कौन है इसका सबूत है, इनके पास लेटर है, ये भिड़े में, अगर अनिता बघेल जी के पास कोई ऐसा लेटर है जो विधायक रहते हुए उन्होंने एक भी चिट्ठी लिखकर ये कहा कि इसको शीघ्र बनाया जाए, तो मैं कहना चाहूँगी कि उनका श्रेय होगा। लेकिन ये जनता भी जानती है कि किसने काम किया, इसलिए कहने से कोई फर्क नहीं पड़ना। यहाँ जो ROB और RUB का काम आप देख रहे हो, 2015 में यहाँ की जनता ने मेरे को पार्षद बनाया, तो उस समय उन्होंने ये समस्या रखी थी फाटक की, यहाँ दो दो किलोमीटर जाम लग जाता है, बुजुर्ग, स्कूल के बच्चे, माताएं, बहनें यहाँ धूप के अंदर गश्त खा के गिरते थे, या ऐसे केस हुए कि एम्बुलेंस फंस जाए तो व्यक्ति को मरना ही पड़ा, हम चाहते हुए भी उसको ट्रैफिक में से ना एम्बुलेंस को नहीं निकाल पाए। तो 2015 से लगा और प्रशासन से समय समय पे मिलते रहे, सारे पत्राचार करते रहे, DRM साहब से मिलते रहे और कलेक्टर मैम, संभागीय हाउस, सचिवालय, CM हाउस, यानी लगे रहे कंटिन्यू, और इसका रिजल्ट आज है कि आज अंडरपास का काम चल रहा है। और यहाँ की जो भी हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण हैं, और द्रौपदी मैडम जी है और हमारे चेतन जी सैनी है इधर से, और भी शहर अध्यक्ष साहब है, समय समय पे मैं मिलता रहा और उनसे सहयोग मांगा और वो लोग लगे रहे, प्रशासन को जगाते रहे हम, और आज यहाँ तक पहुँच गए कि जनता को 2 महीने में अंडरपास की सुविधा मिलने जा रही है और 8 महीने में ऊपर जो कनेक्टिविटी हो जाएगी, 2 पैर और बनेंगे फ्लाईओवर, हाँ, तो ये सुविधा इस क्षेत्र में। तो मैं यहाँ जो पूरी शक्ति काम कर रही है, DRM के अधिकारी, RSRDS की पूरी टीम और इलेक्ट्रिक विभाग, रेलवे का, और भी हमारे इलेक्ट्रिक विभाग, वाटर वर्क्स, पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि सब ने लगन के साथ जनता की समस्या को दूर करने में अपनी भागीदारी निभाई।